अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू UI UX डिज़ाइन क्लास 8 के साथ मैं हबीब रहमान। इस क्लास में हम ब्राउज पेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये है ब्राउज पेज, चलें स्टार्ट करते हैं। इसको आपने डिलीट कर लिया है, अब हमने न्यू बनाना है। आर्टबोर्ड लेंगे, वही लेंगे से, ठीक है। इसका नाम आप चेंज कर लें, ब्राउज, ठीक है। पहले ऊपर वाला शेप बनाना है, उसके लिए अपना यहाँ पे शेप बनाना है, ठीक है। क्रिएट करना, इसकी आपने साइज रखनी है 64 height, ठीक है। और यहाँ से आपने अब इसका जो आपने बॉर्डर ख़त्म कर देना, कलर वो वाइट रखना, ठीक है। इसका जो शेडो है, शेडो आपने चेक करना है 0.02, ठीक है। देखें नीचे थोड़ा सा थोड़ा डार्क सा, ठीक है ना। आपने करना है इसको बैक से, अगर आपने ये कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका कॉपी हो गया यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको कंट्रोल एल के साथ लॉक कर देना है। अब अपने शेप लेने, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट करना, इसकी साइज आपने रखनी है 20x3, ठीक है। जूम करना आपने, बॉर्डर कलर आपने ये फिल करना, और इसके बॉर्डर जो है आपने ख़त्म करना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आपने रखना है 8, और इसकी अपने कॉपी बनानी है इसके साथ 3, ठीक है। और इसका आपने यहाँ से कम कर देना है 3 pixels तक रखना, ठीक है। अब आपने इसको अन करना, अन क्रिएट, ठीक है। और जो अब बीच वाला है वो आपने कम करना, इसकी साइज आपने रखनी है कॉपी तक अपना, उनको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर मर्ज कर देना, ठीक। इनको आपने यहाँ पर लेकर आना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आपने करना है शिफ्ट एरो के साथ, शिफ्ट और अप एरो के साथ, एक दफ़ा फिंगर को छोड़ के शिफ्ट के साथ करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। और शिफ्ट को पकड़ के राइट एरो के साथ 2 दफ़ा 1 2, ठीक है। यहाँ पर रखना, ठीक है। अब आपने हमने टेक्स्ट लिखना है, प्रेस टी एंड बी डब्ल्यू एस, ब्राउज, इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट में ये रखना है लाटू, और इसको रखना है बोल्ड बोल्ड, ठीक है। इसकी साइज आपने रखनी है 60। अब आपने इसको लेकर आना ऊपर, यहाँ पर रखेंगे सेंटर साफ, और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स बनाना है, उसके लिए आपने लिफ्ट टू लें, और यहाँ पे अपने शिफ्ट के साथ ट्रैक करके फिर इसकी साइज आपने रखनी है 20x90, ठीक है। ये आप ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका फिल हटाना है आपने, कलर रखना है यहाँ पे आप यही रखें फिलहाल, आप ये रख लें ब्लैक ये रख लें, ठीक है। पेन टूल के साथ आपने यहाँ पर प्रेस करना यहाँ से, ठीक है। इसका बॉर्डर ख़त्म करके आपने यही कलर कर देना, ठीक है। इन दोनों को आपने मर्ज कर देना। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर देना, शिफ्ट शिफ्ट के साथ प्रेस करें, और इसकी साइज आपने रखनी है 60x40, ठीक है। बॉर्डर इसका ख़त्म करना है अपने, इसका कलर हम ब्लू रख देते हैं, ठीक है। और इसके जो बॉर्डर रेडियस है वो अपने 12, ठीक है। तो यहाँ पर ही रख देते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है कि आपके पास मैसेजेस शो होते हैं, तो वो हम सब ऐसे ही रख देते हैं, हम 50 रख देते हैं, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल ही ब्लैक करना है,
ठीक है, और इसका जो साइज 9, इसका कलर आपने ये वाइट कर दिया। ठीक है, अब इनको आपने सेंटर करके और इनको आपने ग्रुप में कर देना। ठीक है, अब इनको इसको भी आपने यहाँ पे पहले लेकर आना, एक दो शिफ्ट के साथ राइट लेफ्ट रहो। ठीक है, और इनको आपने सेंटर कर देना। ठीक है, इसके आपने सेंटर कर देना एक। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, शेप बनाना है। ठीक है, उसकी साइज आपने रखनी है 270 बाय 310। ठीक है, अब आपको इसको सेंटर पे लेकर आना है। ठीक है, ऊपर से आपने इसको लेकर आना है 35 पे, शिफ्ट के साथ लेकर आए एक दफ़ा 10 20। ठीक है, 30, और अब शिफ्ट के बगैर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका अपन ऑर्डर जो है वो अपने को चेंज करना है ई और एक के साथ। ठीक है, 3 दफ़ा। अब इसका बॉर्डर आपने रखना है, सॉरी शेडो, शेडो इसका रखना है 0 y 6 2 and b 2। ठीक है, आपने ये रखना है यहाँ पे। अब आपको इसकी डुप्लीकेट निकालना कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी के साथ, उसका कलर आपने कोई चेंज कर देना। ठीक है, अब इसका अपने छोटा इसकी साइज आपने रखनी है 280 and 250। इसको अपने इसके सेंटर पे रख देना शिफ्ट, और इसको सिलेक्ट कर दें, इनको अपने सेंटर पर दे देना। ठीक है, इसको जूम आउट करें, इस पर आपने पिक्चर डालनी है। ठीक है, तो पिक्चर मैंने सेव करके रखी है, वो आप कर सकते हैं। सिलेक्ट करके इमेज आपने लेकर आनी है और यहाँ पर पेस्ट यहाँ पर छोड़ देंगे इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा फ्रेम बनाना है, तो इसकी आपने कॉपी निकालनी है कंट्रोल सी के साथ और फिर से डी के साथ। ठीक है, अब इसको अपने बैक पे लेकर जाना। ठीक है, सेंड टू ब्रेक, और उसके बाद आपने इसको बगैर शिफ्ट के आपने यहाँ पर थोड़ा रोटेट कर देना। ठीक है, इतना आपने रोटेट करना, और दोबारा इसकी डुप्लीकेट निकालें कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी, फिर से आपने इसको बैक कर देना। और आपने इसको इतनी बार इसे कर देना। ठीक है, ये आपका एक फ्रेम बन चुका। अब आपने इसको ग्रुप पर कर देना। अब आते हैं नीचे से। ठीक है, नीचे आपने बनाना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देना, और इसकी हाइट आपने रखनी है। ठीक है, इसकी आपने साइज रखनी है, हाइट रखनी है 170। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक शेप बनाना है, तो उसके लिए आपको एक लाइन ले। ठीक है, इसकी आप सेंटर पे यहाँ तक ले कर सको। ठीक है, अब आप यहाँ पर आएंगे मूव टूल के साथ, आप इस पर हमें एक यहाँ पर पॉइंट चाहिए, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आप नहीं कर सकते, तो अब इस पर आप भी डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पेन टूल बन गया। ठीक है, तो आपने यहाँ से मूव उठा के और आपने यहाँ तक रखा। ठीक है, आप जैसे ही इसको यहाँ पर रखेंगे, तो आपको फिर इस पर पॉइंट पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, हमें यही चाहिए था, यहाँ पर आप इसको क्लिक किया, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने सिर्फ शेप के लिए बनाई थी। अब आप उसको कंट्रोल एल के साथ लॉक करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पर आप कलर चेंज करेंगे, थोड़ा आपने इसका चेंज कर देना है।
थोड़ा और कम कर लो यहाँ तक, ठीक। आप इसको थोड़ा बाहर निकाल लो ताकि सिर्फ हमें ये वाला शेप चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट लिखना है, इसका नाम लिखना है, कोई भी लिख दे जो इसमें, ठीक है। अपने यहाँ पर लाइट रखना, ठीक है। और साइज आपने इसकी रखनी है 25 लाइट, एंड कलर में सेंडर कर देना है इसको। अब आपने इसकी डुप्लीकेट निकालनी, ठीक है। इसकी साइज आपने 30 रखनी, ठीक है। और इस पर लिखना है आपने 25 यस ओल्ड, ठीक है। 1.2 KL, ठीक है। ये आपने बिल्कुल इसके नीचे रखना, इसको अपने कंट्रोल एल के साथ ऑन कर देना, ठीक है। ये भी आपने सेंटर में कर देना बिल्कुल। अब हमें कुछ शेप बनाना है, ठीक है, लाइक और दिस लाइक लाइक है। तो उसके लिए आपने एक लिपिक लेना, ठीक है। यहाँ पर आप शेप के साथ प्रेस करना, लेकिन इसकी साइज आपने रखनी है 78 78। बॉर्डर आप और इसका ख़त्म करना है, कलर आपने ग्रे करना है, ठीक है, ठीक है। एक फैटिंग कलर है, ठीक है। उसको शेयर उसकी साइज है 45 है। बॉर्डर इसका ख़त्म करना है अपने, और रेडियस अपने देना है 9। उसको शिफ्ट के साथ आपने रोटेट करना है 45 degrees। इसकी डुप्लीकेट निकालिए कंट्रोल सी पर कंट्रोल डी, इसको अपने फिर से सी पर लेकर जाना, ठीक है। ये एक्स एरो बन चुका है शेप, और इसको अपने मर्ज कर देना, इनको स्कोप को लेकर आना, और इसको दोनों को शिफ्ट के साथ, ठीक है, इसको अपने यहाँ पर सेंटर कर देना, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट निकालें आप, यहाँ पर रखें, और हमें यहाँ पर हार्ट का आइकॉन चाहिए। हार्ट का आइकॉन आप कैसे बनाएंगे, एफ शेप लें शिफ्ट के साथ, और इसकी साइज़ आपने रख देनी है 20x20, ठीक है। इसका आप बॉर्डर हटाएंगे, ठीक है। आपने इसको रोटेट करना है शिफ्ट के साथ 45 degrees, ठीक है। अब आपने हम शेप ने पिक टूल से लेना, इसको आपने करना है 20x20। इसका भी बॉर्डर आपने ख़त्म कर देना है, इसको आपने लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। और इसकी डुप्लीकेट शिफ्ट के साथ अल्टर पकड़ के यहाँ पर लेकर, ठीक है। और आपने इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर देना जूम आउट, और आपने यहाँ पर लेकर आना इसके ऊपर, दोनों को सिलेक्ट करें और इसको सेंटर पर लेकर आना। इसका कलर आपने रख देना ब्लू, ठीक है। इन दोनों को अपने सेलेक्ट करके ग्रुप करना कंट्रोल जी के साथ, और इनको भी कंट्रोल जी के साथ, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पर रखें और इनको वापस सेट करें शिफ्ट राइट एरो के साथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों को अपने ग्रुप कर देना और सेंटर पर कर देना, ठीक, यहाँ तक ही पहुँच। अब यहाँ पर सिर्फ हमें फेवरेट का आइकॉन लगाना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, लिपिक शिफ्ट के साथ करें, और उसकी साइज़ आपने रखनी 30x30,
आप लिख रहे हैं बॉर्डर रेडियस ख़त्म करेंगे और कलर आपने उसका ऑरेंज डालना। यहाँ पे मैं स्टार का आइकन चाहिए, पहले तो आप इसको सेंटर पर कर दें। स्टार का आइकन, स्टार का आइकन कहाँ से मिलेगा? वो फ्री में मिलेगी, मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो आप वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं देख लीजिए। या फिर यहाँ से कलर आपने वाइट कर देना, इसको अपने सेंटर पर कर देना। अब आप चेक कर सकते हैं, तो ये रही आपकी आपको ब्राउज पेज नेक्स्ट क्लास के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।